हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्मी 87 जीएस सेंटर में। दोस्तों, जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आर्मी के ऊपर ही वीडियो लाता रहता हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो अग्निवीर के ऊपर है, जो कि महिलाओं को एक सुनहरा मौका है, महिलाओं को आर्मी में अग्निवीर के रूप में शामिल होने का। तो दोस्तों, आर्मी में अब जो अग्निपथ स्कीम के तहत वैकेंसी होने वाली है, जो भर्ती होने वाली है, वो वुमेन के भर्ती होने वाली है दोस्तों। जो इसका एप्लीकेशन शुरू हो रहा है वो 9 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है दोस्तों, और इसका जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2022 तक है दोस्तों। तो इसमें एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और ये जो वुमेंस अग्निवीर जो आने वाली हैं दोस्तों, ये किस में है, ये जीडी ड्यूटी में है। किस में? कोप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, यानी दोस्तों सेना में जो मिलिट्री पुलिस होती है सिर्फ उसी में जो है। जो एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो जो दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th तक होना चाहिए, और ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज है दोस्तों। इसमें 8th, 10th और 12th तक की आपकी एजुकेशन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो एज लिमिट है दोस्तों वो कितना साल है, 17.5 से लेकर के 23 साल तक है। और जो एज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए दोस्तों, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 तक होनी चाहिए। जो इसमें हाइट है 162 तक है, और जो इसमें रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर, टाइम जो है 7.5 मिनट का है दोस्तों। लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, जिग जैग बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये जो आर्मी में जो मिलिट्री पुलिस में ये जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, ये क्या है, अलग अलग हेडक्वार्टर का जो जेडारूम है उसके अनुसार ये वैकेंसी होगी, जिसमें बहुत सारे जेडारूम आते हैं। इसमें लखनऊ जेडारूम है, अंबाला जेडारूम है, दानापुर जेडारूम है, जबलपुर जेडारूम है, जयपुर है, IRO दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, जालंधर है, कोलकाता है, पुणे है और शिलांग है दोस्तों। अगर जो भी यूपी के रहने वाले हैं, बेसिकली अगर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जो यूपी में आते हैं, उनके लिए क्या है दोस्तों, दोस्तों जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन लखनऊ के अंडर में आते हैं, उनकी जो भर्ती होगी वो 30 नवंबर से लेकर के वो 10 दिसंबर 2022 तक, जो जगह होगा वो आर्मी मेडिकल कॉलेज सेंटर, जो AMC सेंटर एंड कॉलेज है वो लखनऊ में, वहाँ पर इनकी भर्ती होगी दोस्तों। तो अभी जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसका जो डेट है 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, और जो रैली होगी वो होगी 30 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक दोस्तों। तो बेसिकली इसमें इनरोलमेंट का कुछ टर्म और कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों। ये जो भर्ती होगी ये आर्मी एक्ट 1950 के तहत होगी, जो कि सिर्फ आपका सर्विस होगा वो 4 साल का होगा दोस्तों। तो 4 साल के सर्विस के दौरान आपको दोस्तों, जो आपका अग्निवीर की सर्विस होगी 4 साल के लिए होगी, इसमें आपको लीव, छुट्टी जो है, यूनिफॉर्म, पे और जो अलाउंसेस है वो आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। जो आपकी सर्विस शुरू होगी, जिस दिन आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट होगा, जिस दिन आपका इनरोलमेंट हो जाएगा उसी दिन से आपका 4 साल का सर्विस पीरियड शुरू हो जाएगा दोस्तों। 4 साल के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज होने पे जो भी सेवा निधि है, जितने साल आपने सर्विस किया उसके दौरान जो भी आपको सेवा निधि मिलेगी, वो डिस्चार्ज होने के बाद आपको कैलकुलेशन करके आपको एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। आपका जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको जो फैसिलिटीज मिलती है अभी इस समय, और जो सर्विस कैंडिडेट हैं, जो अग्निवीर को है वो ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कैंटीन डिपार्टमेंट, CSD कार्ड, एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस होगा उस टाइप का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अभी जो आपका 4 साल का सर्विस होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है अपनी आर्मी, वो क्या करेगी, आपको रिकमेंड करेगी आफ्टर, और आपको 15 साल सर्विस करने के लिए दोस्तों। तो इन जो 4 साल है दोस्तों, इस 4 साल के दौरान जो आपकी जो लीव ग्रांट की गई है, जो लीव दिया गया है वो 30 डेज पर ईयर, यानी हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। जो सीक लीव होगा वो आपको मेडिकल एडवाइस यानी डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार, अगर आपका सीक लीव बनता है
तो आपको सिक लीव दिया जाएगा दोस्तों। अभी मैं बात करता हूँ कि आपको अग्निवीर का जो पे और अलाउंसेस है वो कैसे होंगे। तो जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर का जो पैकेज होगा दोस्तों, वो 30,000 प्लस जो भी आपका अप्लीकेबल अलाउंसेस होगा। जो सेकेंड ईयर होगा, दूसरी साल होगा उसमें 33,000, तीसरा साल होगा उसमें 36,500 और जो चौथा साल होगा उसमें 40,000। तो दोस्तों इसी में से 30% आपका क्या होगा, कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा हर महीने। तो अगर आपका 30,000 है उसमें अगर 30% मतलब आपका 9,000 रुपये निकल जाएगा, 21,000 रुपये आपको। तो दोस्तों बात करते हैं हम अलाउंसेस के। तो अग्निवीर के लिए जो दोस्तों DA यानी डियरलेंस अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे जो MSP मिलता है वो अप्लीकेबल नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है यानी आपकी 4 साल के सर्विस के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी ऐसा आपके साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है तो आपको 48 लाख रुपीज़ यानी 48,000 रुपये वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के द्वारा स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी 4 साल के सर्विस के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो 48 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेगा दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये 4 साल के बाद आपको अग्निवीर के रूप में जो आप सर्विस करोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें पहला बेनिफिट आपको 7 निधि पैकेज हो जाएगा और दूसरा जो है आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा जो उस बेसिस पे आप जा कर के बाहर सिविल में सर्विस कर सकते हो। अगर कोई 10th करके आया है तो उसको क्या होगा, 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आपने फिजिकल और मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम का मार्क्स होगा 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपको मतलब एग्जम्पशन दिया गया है, छूट दिया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अगर वो किसी एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन की डॉटर है, लड़की है, तो उनको 20 मार्क मिलेगा दोस्तों। अगर वो डिफेंस पर्सनल जो किसी कारणवश डाइड या शहीद हो गए हैं उनको 20 मार्क मिलेगा। जो स्पोर्ट्समैन है उनको स्पोर्ट्समैन जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको 20 मार्क मिलेगा। जो अपना स्पोर्ट्समैन जो स्टेट लेवल के हैं उनको 15 मार्क मिलेगा दोस्तों। इसी तरह से मार्क का डिवाइडेशन किया गया है। अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क, अगर B सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क और C सर्टिफिकेट है दोस्तों तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जितने भी बहनें हैं, जितने भी हमारी अग्निवीर जो वुमेन अग्निवीर है जो आना चाहती हैं अग्निवीर के रूप में, जो देश सेवा करनी चाहती हैं वो आ सकती हैं। और जो भी डिटेल्स है वो www.joinindianarmy.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल Army 87 GS सेंटर में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा अगर मेरे को कोई भी कमेंट आएगा मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना के ज़रूर आपके पास पहुँचा दूँगा दोस्तों। तो आपने अगर चैनल को विजिट किया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। Army 87 GS सेंटर। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।